नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव प्रचार के दौरान घर घर जाकर तरह तरह के लोगों को लुहावने प्रलोभन दिए जाते हैं। वादे तो आसमान छूने के किए जाते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति कीचड़ से सनी होती है। आखिर जनता को चाहिए ही क्या, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, लेकिन इतना भी माननीय और महोदयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। जबकि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की यह विधानसभा सीट है जहां पर ऐसी अव्यवस्था देखने को मिलती है। चुनाव प्रचार के समय जनता जनार्दन लगती है, लेकिन जब जनार्दन मिश्रा सांसद बन जाते हैं तो लोगों की समस्याओं व लोगों के घर तक झांकने नहीं जाते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, किस तरह से रह रहे हैं। हालात तो यह है कि बाढ़ों में रेगिस्तान जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश शासन का इतना बड़ा पदाधिकारी जब रीवा से हो तो रीवा की दुर्दशा इस तरह से है। ऐसे में आप विचार कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के हालात क्या होंगे। खैर, आपको बता दें कि मामला नगर निगम के वार्ड क्रमांक 38 का है, जहां के पार्षद राजबहोर साकेत से रहवासियों ने शिकायत की कि पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की समस्या है, जिससे वह परेशान होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कुआं है जिसमें 500 लोग उस कुएं पर निर्भर है पानी के लिए, लेकिन पार्षद द्वारा कोई भी निराकरण नहीं कराया गया। वैसे भी जब उप मुख्यमंत्री के पद और महापौर जैसे पद पर बैठे लोग ही समस्या को दूर नहीं कर पाते हैं तो पार्षद क्या कर लेगा। जन चर्चा होती है कि महापौर अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन दिनों नगर निगम कार्यालय व घर तक ही सीमित है। दो दशक के बाद जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था और शहर में कांग्रेस की सरकार बनवाई। महापौर बनने के बाद अजय मिश्रा बाबा जिस तरह से लगातार वार्डों का भ्रमण करते थे, समस्याएं जानते थे, लेकिन जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव की भनक उनके कानों तक पहुंची कि उनकी कुर्सी खतरे में है, माना जा रहा है कि उससे डरे हुए जनता के बीच में महापौर अब नहीं जाते हैं। और भाजपा यही चाहती ही है कि जिस तरह से वह नगर निगम की सत्ता गवाई है, लोग परेशान हो और कांग्रेस से भरोसा उठे। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के तानाशाही में जनता पिस रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। महानगर का सपना दिखाने वाले उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ऐसी दुर्दशा निकल कर सामने आती है तो लगता है कि रीवा अभी कितना पीछे है, जहां लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मुहैया होता, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। खैर, इन दिनों गर्मी का मौसम है, जल स्तर नीचे चले जाने के कारण लोगों में पानी की समस्या बढ़ रही है। जहां बाढ़ 38 में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और जिम्मेदार महापौर, मंत्री, प्रशासन के अधिकारी वातानुकूलित कमरे में मौज काट रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं समस्या जानने पहुंचे हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा से रहवासियों ने क्या कुछ व्यथा और पीड़ा सुनाई है। जाएंगे तो बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, ये इतना केवल लटका हुआ है। अगल बगल के देखिए ना किस तरह के, मतलब कड़ा हुआ है। अरे बाबू, मैं बोल रहा है पूरा गोल गोल पूरा धचान मजा देगी पूरी, जिस दिन बस गया जिस दिन भसक जाए तो काम पूरा गोल गोल पूरा बना, कोई आदमी बचेगा ही नहीं जो अंदर फंस जाएगा। लेबर लेबर बोला है बेचारे, डर के मारे लेबरों नहीं आवाते, कौन मारी है मन बताई है, साफ कर गिर जा घर जा बताई। पानी की समीक्षा है, पानी इसमें है नहीं, कुआं में
यह पानी आदमी पीता है, नहाता है, इसकी सफाई भी नहीं है, पूरा सफाई भी नहीं, पानी मिलता ही नहीं है नहाने का, पीने का पानी बिछिया से ले आते हैं। मालूम है 5 जून से 15 जून तक ये बावली और ये कुआं जितना है इसका संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ कोई नहीं आए, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। कलेक्टर मैडम तो कार्यक्रम चल रहा प्रशासनिक पूरा, कोई नहीं आता है, इसकी सफाई व्यवस्था कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है। बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, ये इतना केवल लटका हुआ है, अगल बगल के देखिए किस तरह के मतलब गड़ा हुआ है। अरे बाबू बोल आगे, पूरा गोल गोल पूरा धाचान मचा, देखिए पूरी जिस दिन भसक जाए तो काम पूरा गोल गोल पूरा बना, कोई आदमी बचेगा ही नहीं जो अंदर फंस जाएगा। लेबर बोला बेचारा डर के मारे लेबरों नहीं आवाते, को हमारी मन बताई है, साफ कर गिर जा गिर जा बताई ऐसा नीचे से ये से भर गई लेडीज पानी पूरा मर जाएंगे हम उसके हैं पूरा 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 रिक्स नहीं हो पानी पानी की समीक्षा है, पानी इसमें है नहीं कुआं में, यह पानी आदमी पीता है नहाता है, इसकी सफाई भी नहीं है, पूरा सफाई भी नहीं, पानी मिलता ही नहीं है नहाने का, पीने का पानी बिछिया से ले आते हैं। मालूम है 5 जून से 15 जून तक ये बावली और ये कुआं जितना है इसका संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ कोई नहीं आए, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। कलेक्टर मैडम तो कार्यक्रम चल रहा प्रशासनिक पूरा, कोई नहीं आता है, इसकी सफाई व्यवस्था कुछ नहीं, कुछ नहीं हुई है। लक्ष्मी बंसल, क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ और कोई कमी नहीं है, पानी की बहुत कमी है, हम लोग वहाँ जाते हैं पानी को बहुत बिछिया जाते हैं पानी लेने, 2 किलोमीटर यहाँ से हाँ पानी पीने वाला लेते हैं, और निस्तार के लिए ही तो ये खत्म हो जाता है पानी, पानी खत्म इसमें तो डब्बे में पानी नहीं आ रहा, बस एक एक डिब्बा ऐसे निस्तार के लिए निकालता मैं नहीं, वो इसमें लड़ाई भी हो जाती है कि वो भर लिए हम नहीं भर पाए, अब जिसको जरूरत झगड़ा भी हो जाता है, बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई हो जाती है, नेता पार्षद कोई नहीं आता, पार्षद आते हैं इधर नहीं आते हैं, जो कभी बोले तो बोलते हैं कि बनेगा बनेगा, पता नहीं कब बनेगा, जब इंसान मर जाएगा, नहीं होती है न पानी कहीं भी, न हेड पंप है न कुछ भी, मोहल्ला के अंदर तो हेड पंप बोर और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, नल का भी पानी नहीं, नहीं दूसरे के घर जाते हैं पीने के लिए पानी, पूरे मोहल्ले में टंकी लगवाया है, पाइपलाइन इधर आइए, पानी नहीं है कुएं में, कुएं में पानी भी नहीं, पानी निकल रहा है, देखिए ये पानी आ रहा है, इतना पानी निकल रहा है, ऐसी को पिएंगे इसी को नहाएंगे, पानी आ रहा है बस एक लोटा तक। आप लोग समस्या का मतलब कहीं शिकायत की है? अरे शिकायत पता नहीं कई बार हो चुकी है, शिकायत बहुत बार हो चुकी है, शुक्ला जी खुद ही देख के गए, चले गए यहाँ से, शुक्ला जी आए हाँ देख के चले गए, कोई नहीं सुन रहा है, पार्षद के लिए कांग्रेस बोलते हैं सिंधी जीता है हमको, उधर हम जाएंगे इधर करेंगे काम, राजभवन पार्षद नाम है उसका, कौन जीता है बोल रहे, सिंधी का, सिंधी हाँ, सवेरे 5 बजे सुबेरे धरना प्रदर्शन लगाया रहता है, वहीं बैठा रहता है, जहाँ 7 बजे ले लेता ऑटो तो ऑटो चलाता उधर सवारी ढोता उधर साइड बताइए, अगर जब बुलाते इधर नहीं आता, जब बोर्ड लेने को तो गोड़ी गिरा था, अरे गोड़ी गिर ले पड़ी भाई, यह मेरी बताइए, यह मेरी कोई समस्या, नालों की सफाई तो मान लो होती रहती है, मान लो नालों की सफाई होती रहती है, मेन समस्या यह है, एक पानी समस्या यह है, पूरा धस जाए तो मन ही मर जाए यहाँ पास है। नाम है आपका? हमारा हरिलाल बंसल नाम, कौन सा वार्ड है? 38 वार्ड का है। कौन सी बस्ती है ये? ये रानी तालाब, ये 38 वार्ड लगता है काली मंदिर के पास, हरिजन बस्ती, हरिजन बस्ती। क्या समस्या है? समस्या यही है कि ना सप्लाई का पानी चालू है, कुआं तो आप देख ही रहे हैं किस तरह की हालत में है, 500 आदमी के बीच में, 500 आदमी के बीच में केवल एक कुआं है यहाँ, और नल भी नहीं आ रहा, नल भी पाइप पड़ी हुई लेकिन इसमें पानी ही नहीं आता, नल में पानी पानी ही नहीं, कुएं से आधा डब्बा है क्या, कुएं के देख रहे हैं आप खुद के स्वयं के नहीं, कितना गंदा पानी निकल रहा है, अब पूरे तरफ से वो कुआं कड़ा हुआ है, जिस दिन अगर कोई गिरेगा उसमें कभी नहीं बचेगा, सफाई और मरम्मत नहीं, कुछ नहीं होता, सब कहने के लिए भर आते हैं, बस देख रहा के सब चले जाते हैं, योजना चल रही है, कुछ मतलब नहीं है, वो सब लिखित में योजना है, बाकी यहाँ के लिए कुछ नहीं, कोई योजना यहाँ के लिए नहीं,
ऐसा नीचे भी है कि भर रही लेडीज पानी पूरा मर जाएंगे पूरा पूरा मर जाएंगे पूरा पूरा यहां पे पानी पानी की समीक्षा है। पानी इसमें है नहीं कुआं में, यह पानी आदमी पीता है नहाता है, इसकी सफाई भी नहीं है, पूरा सफाई भी नहीं है, पानी मिलता ही नहीं है नहाने का, पीने का पानी बिछिया से ले आते हैं। मालूम है 5 जून से 15 जून तक ये बावली और ये कुआं जितना है इसका संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ कोई नहीं आए, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। कलेक्टर मैडम तो वो कार्यक्रम चल रहा प्रशासनिक पूरा, कोई नहीं आता ही है, इसकी सफाई व्यवस्था कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है। इसमें बाल्टी में कितना नीचे दिए से भर रही लेडीज पानी पूरा मर जाएंगे पूरा पूरा मर जाएंगे पूरा यहां पे। अधिक सर पानी पानी की समीक्षा है। पानी इसमें है नहीं कुआं में, यह पानी आदमी पीता है नहाता है, इसकी सफाई भी नहीं है, पूरा सफाई भी नहीं है, पानी मिलता ही नहीं है नहाने का, पीने का पानी बिछिया से ले आते हैं। मालूम है 5 जून से 15 जून तक ये बावली और ये कुआं जितना है इसका संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ कोई नहीं आए, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। कलेक्टर मैडम तो वो कार्यक्रम चल रहा प्रशासनिक पूरा, कोई नहीं आता ही है, इसकी सफाई व्यवस्था कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है। हाँ बस ना हेडपम्प है, यहाँ कम से कम हेडपम्प हो तो आदमी चालू करके पानी भर ले, एक भी नहीं हेडपम्प है, बिछिया जाना पड़ा 2 किलोमीटर बिछिया बताइए यहाँ से, तो हम लोग बनल का पानी भी नहीं आता, कनेक्शन सब किया हुआ तभी पानी नहीं आ रहा, बताइए क्या सिस्टम किया क्या नहीं किया, भगवान जाने इसको, कुआँ एक ही यहाँ 500 बस्ती कुआँ एक ही है, बता रहे हैं आपको, सब बिचार निस्तार करते हैं, लड़ाई हो जाती पानी भरने में, बताइए बिछिया जाते पानी भरने हम लोग बताए साइकिल से लेके, साइकिल गिर जाती है, साइकिल टूट जाती है, हम लोग भी टूट टाट जाते हैं, बताइए ढोके 4-4 डब्बा लेके आते हैं, हाँ बिछिया यहाँ पास से बताइए। क्या नाम है आपका? पंकज बंसल, मूलचंद बंसल। कौन सा वार्ड है ये? 38 वार्ड। क्या समस्या बताइए? समस्या ये है कि कुआं बहुत दिन से जर्जर है, कई बार मतलब दिया गया, आवेदन भी दिया गया, मंत्री जी को दिया गया, और जो वार्ड का पार्षद है राजबहोर साकेत उसको भी बोला गया, इसकी आज तक न रिपेयरिंग हुई ना कुछ हुआ है, इसको इसमें घटना घट सकती है, मौत भी हो सकती है। आबादी इस वार्ड में कम से कम 500 आदमी की, 500 आदमी के बीच में एक कुआं है, उसमें भी पानी नहीं है, बसोर बस्ती है ये, पानी नहीं है, देख लीजिए आप, एक लोटा भी नहीं आता पानी, बाल्टी जब डूबती ही नहीं तो पानी कहाँ से आए, एक लोटा पानी निकल रहा है, कचड़ा भरा हुआ है, हाँ कचड़ा भरा उसको पी रहे हैं, हाँ क्या करे आदमी, मजबूरी है बस करे, कोई नेता मंत्री आए, कोई नहीं आता भाई यहाँ, शिकायत किए आप? शिकायत तो कई बार हुआ भाई, पार्षद शिकायत किए हैं, शुक्ला जी मंत्री जी से करें कई बार, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई नहीं, नहीं मंत्री जी सुनते हैं, बोल के चले जाते हैं, होगा आपका काम हो गया, करवा देंगे ये करवा देंगे, हो गया उसके बाद हाँ बस आश्वासन दे के हो गया, फिर कोई भूल जाते सब, केवल आश्वासन में चल रहा है। हाँ 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 भाई आज लेके घूम रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा पिए का, तो का करी का नहीं, मैंने यहाँ ये 38 वाट है, 38 वाट हाँ, पानी की समस्या है बहुत, समीक्षा पानी के ना नहाए का ना बर्तन मांजे का नहीं मिल रहा है, ना पिए का मिल रहा है, और क्या समस्या है, और अब का समीक्षा है, कितने दिन से समस्या, आज 2-3 महीना हो गया, कोई पार्षद से आप, पार्षद चमार है तो वो भाग जाते हैं, ऑटो चला भाई, ऑटो चलाते हैं, हाँ पार्षद जी, हाँ नहीं दिखते, नहीं देखा था, कहा था कि हमसे कोनो मतलब ही नहीं है, जीतने से बस मतलब था जीत गया, यहाँ 2 महीने से बता रहे हैं भूखन प्यासन मारे जा रहा, मैंने पानी गिलाने न पानी नल है न कनेक्शन न कुछ हुआ, मैंने कई बार 20 बार शिकायत करें, शुक्ला जी से कहें, हरजीन से कहें कि चला कम से कम हम लोग अपन आदमी कम से कम करियंट है यहाँ, तभी यहाँ से जैसे मन बिछिया पानी भरे बताए, सुनो देखिए सबूत देख ली वीडियो बनाई गई थी, कहाँ कहीं पानी मानी भरे जाते, और कुआं का यही दिखाई, कुआं से लेके आते हैं पानी, है बिछिया से लेके आते हैं हम लोग, यहाँ से कितने किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर पानी लेने जाते, हाँ काफी लंबी समस्या है यहाँ, और यहाँ कुआं भी, कुआं के बोले बनवा तो कम से कम सुविधा हो जाए बढ़िया यहाँ पे पीने के लिए, यहाँ थोड़ा आगे यहाँ दिखा दी तो कुआं भी देख लीजिए आके, चल के थोड़ा, अब तो थोड़ा पूछ रहा हूँ, मेरा नाम दीपू है, यहाँ क्या क्या समस्या है, समस्या है साफ सफाई नहीं होती है, और ये सोलर कॉम्प्लेक्स,
यहाँ कभी कभार होती है सब साफ सफाई। वैसे गंदा दरवाजा वरवाजा नहीं है, और कुछ पीने खाने वाले लोग रहते हैं, असामाजिक तत्व के लोग तोड़ फोड़ देते होंगे। देखे वहाँ पर सभी कचरा ही लगा है, सफाई नहीं होती। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की इस समय पानी तो कम देता है, पानी नहीं आ रहा है। कोई आते हैं महापौर लोग यहाँ देखने? कोई नहीं आता है, कोई नहीं, बहुत टाइम बस आते हो गया। देखा आपने किस तरह से नगर निगम के वार्ड क्रमांक 38 में जनता पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है और जिम्मेदार मौन है। बीजेपी और कांग्रेस की तानाशाही और अपनी कुर्सी की खींचतान के बीच जनता पिस रही है। अगली बार आपको ले चलेंगे किसी और वार्ड में और सुनाएंगे वहां के रहवासियों की क्या समस्याएं हैं और किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, कितना महापौर मंत्री सांसद विधायक ध्यान दे रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने वार्ड की समस्या जरूर बताएं, जिससे हम आपके वार्ड का भ्रमण कर कुंभकर्णी नींद सो रहे प्रशासन और शासन तक आपकी समस्याओं को पहुंचा सके। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966936257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।